बोल दो माही से। <laughs> नहीं बोल दो एक बार hi, 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 hi. माही yeah. के तो माही दीदी ah. एक बार देख लो सतानी किसी कर रहे बेटा ये बहुत गंदी बात है ah. बेटा खाना नहीं मिला आपको mm अब मैं आपको ना चॉकलेट दूंगी चौकी खाओगे खाना है सब लोग आएंगे गंदा गंदा है अच्छा सबसे कहते अच्छा बच्चे बन गए हो क्या देख लो देख लो सतानी गाय जी आप लोग बताना कृष्णा का कलर फेयर हो गया ना पहले से छेना मेना छेना, छेना।, 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 छेना। चेना, चेना, अच्छा सुनो ये सुनिए इसका कवर निकाल के दीजिए कृष्णा को कृष्णा बोल, बोल दो माही बोल दो इसमें बोल दो माही दीदी बोल दो माही माही आ? ऐसे बोलो ऐसे देखो देखो भैया बोल दो माही, माही. प्रिया और किसके नाम बुलवाओ दीदी दीदी कैसे हो कैसे हो आ जाओ कैसे हो।, हो नमस्ते नमस्ते शशिकाल 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 बोलो शशिकाल गुड नाइट गुड नाइट बाय उमा कर दो बाय कर दो इसमें बाय कर दो हंसी देखो सरबजोत मम्मा सीमा सीमा, बाई क्या गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है गुड इवनिंग हो रही है हम लोग पी रहे चाय यहाँ पर चाय है हमारी ये देखो, है चाय डोर चल रहा है कृष्णा यहाँ बैठा हुआ है कृष्णा देख रहा है फोन में क्या क्या देख रहे हो? हेलो बोल दो हाय गाइस सो गाइस अभी हम लोग पीरियंट चाहे आशीष आ चुके थे शाम हो चुकी है सात बजने वाला है और आशीष आए हैं थोड़ा सा लेट तो इसलिए मैंने अभी चाय बनाई हुई है और आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्रेड बनाई हुई है अपनी ठीक है ऑयलिंग तो की हुई है और तो इनर बना हुआ है इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा बिकॉज़ क्या है कि हम घर में हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये तो मेरा घर जैसा चैनल है जैसे आप लोग मेरी फैमिली हो उस टाइप से ठीक है तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में ठीक है चाय पी ली हम लोग आई हाय गाइस सोच रही थी आप लोग के साथ में अपना जो डिलीवरी की हमारी स्टोरी है सेकंड मंथ की वो शेयर कर दू और देख लो जब भी फोन लेकर बैठती ना तो कृष्णा बोलेगा बंद करो बंद करो इसीलिए फिर मैं आप लोग के साथ में कोई दूसरा ब्लॉग शूट करके वो डाल देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा शूट करती रहती हूँ तो ये शूट करने नहीं देता मुझे तो फिर मैं क्या करूँ बताओ आप लोग देखो अभी भी मेरी गोदी में बैठा है ये खोलना है क्या करना है इसमें बात करके दिखा दो लोगों को अच्छा दीदी दीदी बुला दो दीदी बुला के दो प्रियंका इसमें बोल प्रियंका? के दो प्रियंका एक बार प्रियंका दीदी अच्छा सुनो सुनो प्यार करने ना भैया सुनो डेडा चॉकलेट लाकर देंगे देखो सब लोग मैसेज कर रहे हैं ना मम्मा को एक हम थप्पड़ मार देंगे तो मैं छोटी के साथ गेम नहीं करोगे ठीक है चलो सबको प्रियंका बोल दो प्रियंका शिवानी शिवानी हाय <laughs> उंगली निकाल दो इधर देखते हैं यहाँ पे अच्छा सुनो कैसे डेडा कैसे मुंह बनाते हैं मुंह बना के दिखा दो ऐसे बनाते डेडा तुम्हारे मुंह अब बोल दो दादी जी नहीं दादी जी हैं बोलो हैं एक बार हैं एक बार जामुज के मुंह पर हमराख दिखा रहा देख रहा गंदी बात है ये सब सो गाइस कृष्णा की तो मस्ती हो रही है और ये ना बिल्कुल करने नहीं दे रहा मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं स्टोरी स्टार्ट करूं या ना करूं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी थोड़ा सा अगर आवाज आती है क्योंकि देखो ठंडी है कृष्णा अपने डैडू के पास जाता नहीं है ज्यादा अगर मेरे पास आएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि स्टोरी तो उसी की चल रही है ना तो इसीलिए और वो परेशान करेगा गाड़ी देखोगे गाड़ी देखोगे अच्छा गाड़ी दिखा दू डोंट शाउट कृष्णा डेडा से बोल दो गाड़ी लगा देंगे आपकी सुनिए इसकी गाड़ी लगा दीजिए मम्मा का फोन बहुत महंगा वाला है कृष्णा को ना डेडो के पास भेज दिया उसके और कहीं और भेजा नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर ब्लोवर चलता रहता ना ये है की डेडो है बोल दो तो थोड़ा सा ज्यादा जा, ठंडी लगती है मेरे पति देव को और यहाँ पर ब्लोवर चल रहा है तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए तो इसलिए मैंने इनको भेजा नहीं है कहीं पर क्योंकि बाहर का जो रूम है बहुत ज़्यादा ठंडा है आप लोग कह रहे हैं दीदी आप कभी अपना घर दिखाना अच्छे से हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है बंद कर लो ना गाड़ी दिखा रही गाड़ी थोड़ा सा कृष्णा सेटिंग कर ले अपना उसके बाद से मैं आप लोग को बताती हूँ जब उसकी सेटिंग हो जाएगी तो ठंडी लग गई आज हवा लग गई मेरे कानों में ना ठंडी लग रही है बहुत तेज़ और गर्दन दर्द हो रहा है मेरे मम्स हो गया था एक बार ठंडी में मेरे कान में कैप वगैरह नहीं लगाया था मम्स हो जाता है ना तो आपका मुंह ना टेढ़ा हो जाता है मतलब यहाँ से पूरा ये कान और ये एरिया बिल्कुल सूज जाता है और आप कुछ खा भी नहीं पाते हो आप अगर अपना मुंह चलाओगे ना तो दर्द होने लगता है हर जगह चलो स्टार्ट करते हैं आज का अच्छा वीडियो हम लोग तो मैं आप लोग के साथ में जो फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी अगर शेयर करी थी आप लोग के साथ में आप लोगों ने अगर उसको वॉश नहीं किया है तो उसको वॉश कीजिएगा मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक डाल दूंगी फ़र्स्ट मंथ प्रेगनेंसी स्टोरी तो आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा और आज की जो स्टोरी है हमारी वो सेकेंड मंथ की है तो सेकेंड मंथ में इस ये था कि मैं अपने लखनऊ चली गई थी फ़्लाइट से और लखनऊ जा कर के मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि जब फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी थी आशीष थे नहीं मेरे पास आशीष आए थे आशीष मेरे से मिल कर के और मुझे ड्रॉप कर दिए थे वो फ़्लाइट से हम लोग की फ्लाइट थी ना मेरा भाई आया था मुझे लेने के लिए मैं आप लोग के सामने वो पिक शेयर करूंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के गई थी और मैं किस गेटअप में गई थी वो भी दिखाऊंगी आप लोग को ठीक है तो यहाँ पर पिक लगा दूंगी मैं स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा ठीक है तो फिर क्या हुआ था उस समय मेरे बाल भी बहुत छोटे थे आप लोग देख लेना आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि दीदी के बाल हैं किसके बाल हैं ठीक है तो क्या हुआ था कि हाँ जब मुझे ही छोड़ने गए थे तो मैं वहाँ पर चली गई थी और फ़्लाइट में फिर फ्लाइट से जाने के बाद हम लखनऊ पहुँच गए थे तो लखनऊ पहुँचने के बाद से मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी ठीक है तो डॉक्टर के पास हम जब गए थे तो डॉक्टर ने मेरा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है आपका वो किया करने के बाद से मेरी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट वगैरह थी बिल्कुल पॉजिटिव थी ब्लड वगैरह सारा कुछ टेस्ट हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी बट मुझे जो प्रॉब्लम ये होती होती थी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज पचती नहीं थी मेरी तो so, मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मैं तुम्हें एक महीने नहीं भेजूंगी तुम यहीं रहोगी मैंने कहा ठीक है मैं यहीं रहूंगी तो so, फिर मैं वहां पर एक महीने रही मेरी आशीष से बात होती रहती थी, थी, थी बीच बीच में तो आशीष का भी फोन आता रहता था फिर जब मेरा एक महीना कंप्लीट हो गया तो आशीष हम मैं आपका तीसरे महीने पर आ गई थी तीसरे महीने पर आ गई थी ना मैं शायद नहीं नहीं प्रेगनेंसी जब कृष्णा था मेरे पेट में हाँ तो मैं ना वहां से जब लखनऊ में गई थी मेरी मम्मी मेरा चेकअप कराने ले, के लिए लेके गई थी डॉक्टर रेणुका के यहाँ तो उनका क्या हुआ था उन्होंने मुझे तीन महीने की मेडिसिन दी थी उन्होंने बोला था कि आपको तीन महीने की ये मेडिसिन खानी है आप तीन महीने ये वाला कोर्स कर लेना उसके बाद से आप किसी और भी डॉक्टर को गायनी को दिखा सकती हैं तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं तो फिर मैंने वो मेडिसिन खा ली थी और मेडिसिन ले आई थी मैं यहाँ पर एक महीने में वहीं पर थी तो एक महीने की मेरी मेडिसिन खत्म हो गई थी फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो जाएगी तो मेडिसिन ले जाओ मैंने कहा ठीक है फिर वो मैं मेडिसिन लेकर के आ गई थी यहाँ पर तो बीच में मैंने कहा चलो एक बार डॉक्टर को चेक करा कराते क्योंकि दो महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी थी मेरी तो तीसरा महीना लगने वाला था थर्ड मंथ तो फिर आशीष ने बोला ठीक है तो फिर हमने सारे लोगों से बात बात करी बात बात करने के बाद से हम लोगों को सब लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आप गुप्ता मैटर्निटी हॉस्पिटल जो है वहाँ जाइए वो सबसे बेस्ट है मैंने कहा ठीक है जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए तो मतलब छो इतना छोटा हॉस्पिटल मतलब नहीं है इतना छोटा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं है मतलब नॉर्मल है तो हमने कहा यार इतना छोटा है पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा कैसी फैसिलिटीज़ होंगी कैसा होगा कैसा नहीं होगा हाँ तो आई थिंक आई थिंक वो आशीष प्राइवेट था ना शायद हम्म तो गुप्ता हॉस्पिटल जो था ना वो छोटा तो नहीं था बाहर से लगता था कि हाँ वो छोटा है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था हमारा ठीक है तो फिर वहाँ पर हमने सारी चेकअप वगैरह कराया फिर से उन्होंने स्कैन वगैरह किया तीन महीने के बाद से फिर से स्कैन किया मेरे पास रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी होंगी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कभी दिखाऊंगी फुर्सत से दिखाऊंगी आप लोगों को आराम से क्योंकि इस समय पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें रखी हैं क्योंकि कृष्णा हुआ था जिस घर में उस घर में हम थे उसके बाद से जहाँ जहाँ मैं गई थी फर्स्ट टाइम तीन महीने की जब मेरी प्रेगनेंसी दो महीने की प्रेगनेंसी हुई थी तब मैं दूसरे घर में थी और जब कृष्णा हुआ था तो उसके बाद हमने आठवें महीने पर रूम शिफ्ट किया था तो फिर कृष्णा दूसरे घर में हुआ था उसके बाद हम दूसरे घर में आए थे यहाँ पर पंजाब में कृष्णा के होने के बाद और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए तो मतलब हमने चार से पांच घर चेंज किए तो आप लोग समझ सकते हो कि जब घर बंदा चेंज करता है तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इधर उधर हो ही जाते हैं ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक थी नॉर्मल था सब कुछ सही था बट हाँ जब ब्लड टेस्ट होता है ना तो हालत टाइट हो जाती है मतलब मेरे को इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सारी चीज़ें सही थी मुझे तीन महीने तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ना तो पानी अच्छा लगता था ना ही तो मुझे खाना अच्छा लगता था और बस मैं ना परेशान रहती थी मतलब अजीब सा होता रहता था तो मैं आप लोग इसमें फ़ोटो शेयर करूंगी आप लोग देखना मैंने और भी फोटो शेयर करी हुई हैं अजीब सी पतली सी हो गई थी मैं सब लोग कह रहे थे कि ये आपकी शादी की सेकेंड की पिक्चर है तो नहीं डियर वो मेरी जो पिक्चर्स थी जिन्होंने मेरे व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टा पे देखा होगा पहले वाली इंस्टा आई डी मेरी तो उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने अपलोड करी हुई हैं आप लोग देखिएगा मेरे छोटे छोटे बाल भी हैं उसमें आप लोग चेकआउट करना ठीक है मैंने अभी लिंक भी डाली है तो आप लोग देखिएगा कम्युनिटी पर तो तीन महीने तक मेरा सब कुछ ऐसे ही रहा बहुत अजीब अजीब सा फील होता था तो मैं सुबह उठती ही ब्रश करती थी ब्रश करने के बाद सीधे टंग क्लीनर अगर मैं टंग क्लीनर करने में एक से दो मिनट का भी लेट कर देती थी मुझे मॉर्निंग मौ में ही वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती जा थी और अगर एक बार वॉमिटिंग होने लगी ना तो वो पूरे टाइम रहती थी तो बस मैं सोचती थी यार तीन महीने कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे एक बार मैंने सोचा यार नहीं करूँगी बेबी तो ही अच्छा रहेगा फिर धीरे धीरे मेरा जो पेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया दो महीने पर नहीं पता लगता था तीन महीना जैसे ही हो गया मुझे तीन महीना कंप्लीट हो गया तो मेरा पेट जो था ना वो दिखना स्टार्ट हो गया था तो फिर मैं ना फिर सीधे सोती थी तो फिर मेरी मम्मी से मेरी बात होती रहती थी मेरी मम्मी ने बोला नहीं सीधे नहीं सोते हैं सीधे सोने से क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई थी मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी उसका भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा किस्सा है भी सुनाएंगे आप लोग को तो आप लोग की जो रोए हैं ना वो खड़े हो जाएंगे क्योंकि जिस चीज़ को मैंने फेस करी है ना अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम मेरे लिए आज तक दुनिया में नहीं आया है जो मैंने कृष्णा के टाइम पर फेस करी है ठीक है तो आज की स्टोरी हम यहीं पर रखेंगे और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फोर्थ प्रेगनेंसी वाली जो हमारी स्टोरी है उसमें ठीक है तो बाय लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा बाई